गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक नए गेम के साथ आए हैं जिसका नाम है थर्ड डिग्री टॉर्चर। चिंता मत कीजिए, ये एक हेल्दी टॉर्चर है। तो इस गेम में बेसिकली हम यहाँ पे हम में से कोई बैठा रहेगा और बाकी लोग अगल बगल बैठे रहेंगे और सभी उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आज इस गेम की शुरुआत हम में से सबसे जूनियर स्टूडेंट से होने वाली है, जो कि है रुपेश राज, हु इज़ इन स्टैंडर्ड 8। सबसे पहले हम लोग आप लोगों को इसके पीछे की बैक स्टोरी बताना चाहेंगे, जो कि आप लोगों को तनुष्का बताएगी। तो कुछ दिन पहले हमारा टिग्नोमेट्री पे वीडियो शूट हुआ था, मेरा और शांभवी का। उससे इंस्पायर होके राज का भी मन किया कि वो टिग्नोमेट्री में उसको इंटरेस्ट आया, उसका मन किया कि वो टिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करे। और इस मेहनत को देखते हुए सर ने डिसाइड किया कि इस गेम की शुरुआत उससे की जाए। और आपको पता ही होगा कि CBSE के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 से स्टार्ट होता है, बट राज क्लास 8 में और उसने ये याद कर लिया है, जो सच में बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि राज स्टार्टिंग में बहुत बदमाश हुआ करता था। इनफैक्ट हर दूसरे दिन उसके कंप्लेन आया करती थी, बट अब तो पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हो चुका है। पूरा अपना डेडिकेशन के साथ वो पढ़ता है और अब कंप्लेन तो बहुत दूर की बात है, अब तो सिर्फ उसकी तारीफ सुनने को मिलती है। उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, वो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और राज के इतने प्रोग्रेस को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गेम शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं तनुष्का क्लास 10th में हूँ, ये शांभवी क्लास 10th में है, ये लादिता दी क्लास 11th में है और ये तनिष दी क्लास 12th में है। हम सारे लोग यहाँ पे उससे बहुत सीनियर हैं और हम सारे लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद किया था तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर हुई थी, बट राज क्लास 8 में हो के भी इस टेबल को बहुत जल्दी याद कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि राज यहाँ पे थोड़ा डरा हुआ है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि वो अपने आप से अपने क्लास से बड़े क्लास का आंसर करने वाला है अभी। तो पहले राज तुम बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या तुम सारे आंसर्स करेक्ट कर पाओगे, करेक्टली बता पाओगे? कॉन्फिडेंस तो है पर थोड़ा सा डर भी है, देखते हैं कि आगे वो क्या करता है। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो राज तुम मुझे बताओ टैन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। बिल्कुल सही। नाउ मेरा क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। करेक्ट आंसर। मेरा क्वेश्चन है टैन 90 डिग्री। नॉट डिफाइंड। और ऐसा तुमको क्यों लगता है कि वो नॉट डिफाइंड होगा? क्योंकि टैन जो है वो साइन और कॉस दोनों को डिवाइड करके आता है, तो इसलिए जब हम लोग साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री दोनों को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है। बिल्कुल सही। मेरा क्वेश्चन है टैन 45 डिग्री। 1। गुड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, sec 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? एक सेकेंड राज, मेरे को थोड़ा समय देना। सर क्यों ना हम लोग इसको ब्लाइंड फोल्ड कर दे, बिकॉज ऑडियंस को ऐसा लग सकता है कि सामने कुछ प्लेस किया हुआ है जिसपे आंसर्स लिखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये छोटा और इतने अच्छे से आंसर कर रहा है। तो थैंक यू सर। Let me help you. Aram se aram. ठीक है, कंफर्टेबल है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है राज, तो तुम अब तनुष्का को आंसर कर सकते हो सेक 90 डिग्री का वैल्यू? नॉट डिफाइन। मेरा क्वेश्चन है कोसेक 45 डिग्री। √2।
करेक्ट आंसर. मेरा क्वेश्चन है sec 30 डिग्री. सर एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए तो. sec 30 डिग्री. sec 30 डिग्री 2/√3. ये बिल्कुल सही है. मेरा क्वेश्चन है cos 30 डिग्री. 2√3/2. मैं ऑब्जेक्शन कर रही हूँ. राज जो क्वेश्चन अलाइता ने पूछा वो आया कैसे? मीन्स कॉस रूट 3/2. हम लोग यहाँ पे सब जानते हैं कि साइन कॉस का रिवर्स होता है. करेक्ट. मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, जो राज ने रिवर्स बोला उसके मतलब रेसिप्रोकल नहीं है. रिवर्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है. तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से जवाब दे रहा है और यहाँ हम लोग को इसे देख के शर्म आ रही है. 30 डिग्री टॉर्चर हम लोग करने वाले थे, उल्टा हम लोग का हो रहा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा राज तुमसे, कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू. 1. करेक्ट. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री. 1. करेक्ट आंसर. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट 60 डिग्री. 1/√3. आज तो राज सारे ही आंसर्स करेक्टली देते जा रहा है. इसने तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से याद कर लिया है. चलो फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन, कॉस 90 डिग्री. जीरो. आज तो राज ने बिल्कुल कमाल कर दिया है. तो आप देख सकते हैं राज ने सारे वैल्यूज़ करेक्टली बताए हैं और हम सारे लोग जो यहाँ उससे क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो सारे लोग इससे सीनियर थे. तो यहाँ पे एक मेंटल प्रेशर भी क्रिएटेड था, मगर उस मेंटल प्रेशर में हो के भी राज ने सारे आंसर्स करेक्टली बताए हैं, तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है. और राज का ये प्रोग्रेस के पीछे सिर्फ सर का हाथ है. राज के पीछे सर ने जितनी मेहनत की है आज उसका रिजल्ट आप सब देख रहे हैं. इनफैक्ट राज ही क्यों, हम सारे लोगों का जो प्रोग्रेस हुआ है उसके पीछे सिर्फ सर का हाथ है. तनुष्का, क्या तुम अग्री करती हो मेरे बात से? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ. और राज की इस प्रोग्रेस और मेहनत को देख के मुझे वो दिन याद आ गए जब राज को पनिशमेंट्स मिलते थे. अरे हाँ, क्या तुम्हें याद है राज को एक बार पनिशमेंट मिला था कि उसे दीवार के सहारे अपने कॉपी को रख के लिखना था? उसका पनिशमेंट हमारे एक्सपेरिमेंट में बदल गया था. राज, क्या तुम्हें वो दिन याद है? हाँ बिल्कुल. तो राज को अप्रिशिएट करने के लिए हम लोग की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट उसके लिए. तो आखिरी क्वेश्चन राज, लेकिन ये ट्रिगो से नहीं है, तो तुम्हें गेस करना है कि तुम्हें हाथ में दिया क्या गया और कितने हैं? मुझे दिया गया है मंच, ये 4 है. तुम कैसे कह सकते हो कि ये मंच ही है? मुझे, मैं छू रहा हूँ तो जैसे लग रहा है कि ये मंच है. ये कोई और चॉकलेट भी तो हो सकता है, पर्क भी तो ऐसा ही दिखता है, मतलब छूने पे लगता है. नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मंच है. तो इस गेम का ये पहला वीडियो है, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे. तब तक के लिए कीप वेटिंग एंड कीप स्टडिंग. तो राज, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने 10th के टॉपिक को याद किया और आज सारे क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर भी किया, तो और 4 मंच भी मिले प्राइज में, तो कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. राज थोड़ा सा शाई है तो वो ज़्यादा आंसर नहीं करता है, बट अंदर से उसे बहुत खुशी हो रही होगी. आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.